चलो, कल तक हमने हमने किया था कहाँ तक? तीन चैप्टर तक ना इसका, सॉरी दो चैप्टर। आज करते हैं कौन सा बताते हैं। ये रहा फेबल, फेबा बोले तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट कहता है इसके बारे में कि फॉरेन से जो क्या होती है, पैसे का जो लेन देन होता है, ठीक है, मतलब विदेशों से जो पैसों का लेन देन होता है भारत के अंदर, उसका हिसाब किताब, उसको मैनेज करना, ठीक है, कि वो सही सोर्सेस से आ रहा है या नहीं आ रहा है, किस सोर्सेस से आ रहा है, ठीक है, जेन्यून सोर्स है कि नहीं, उसमें जो टैक्स बोले गए हैं वो दिए गए हैं कि नहीं, इन सारी चीज़ों को मैनेज कर, ठीक है। और इसको रेगुलेट करती है कौन? ईडी, कंट्रोलिंग बॉडी आरबीआई को बनाई गई है इसको फेमा के लिए। और उसने किसकी स्थापना की है? ईडी की, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय। इसका निधि नाम क्या है? प्रवर्तन निदेशालय, ठीक है, आरबीआई के अंतर्गत काम करती है। सुनते होंगे ईडी का छापा पड़ा है, कैसे पता चल जाता है कि कोई भी बैंकिंग लेन देन करेंगे आरबीआई से आप छुपा नहीं सकते, क्योंकि बैंकिंग लेन देन सबका एक क्या है, वो जाल बना हुआ है, नेट बना हुआ है, जिसके बारे में पता चलेगा ही। तो जैसे ही पता लगता है कि भाई ये जो फंडिंग हुई है ये कुछ जेन्युइन फंडिंग नहीं है, उस पर क्या करती है आरबीआई? एक्शन लेने को कहती है किसको? ईडी को, इसको पकड़िए, ठीक है, ताकि जेन्युइन सोर्स बताए। 2019 के दिसंबर में एक पेपर आया था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, अकॉर्डिंग टू फेमा फॉरेन एक्सचेंज डज नॉट इंक्लूड, दिए गए सभी में से कौन से फेमा के अंतर्गत इंक्लूड नहीं होता, फेमा के अंतर्गत कौन नहीं आता। यहां पर देखेंगे, पहला है डिपॉजिट पेबल इन एनी फॉरेन करेंसी, कोई भी डिपॉजिट जो कि पेबल है फॉरेन करेंसी में, ये फॉरेन एक्सचेंज के अंतर्गत आएगा, सॉरी हाँ फेमा के अंतर्गत आएगा। अगला है बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन इन इंडिया इंडियन करेंसी बट पेबल इन फॉरेन करेंसी। एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा गया है किसमें? इंडियन करेंसी में, जो कि पेबल किसमें होगा? फॉरेन करेंसी में। तो ये भी क्या होंगे? फेमा के अंतर्गत इंक्लूड होंगे। अगला है ट्रेवलर्स चेक ड्रॉन बाय इंस्टीट्यूशन आउटसाइड इंडिया बट पेबल इन इंडियन करेंसी। वो एक ट्रेवलर्स चेक, ट्रेवलर्स चेक क्या है? एक पेमेंट का माध्यम। जो पहले विदेशों से लोग आते थे तो क्या करते थे? पहले तो ये क्रेडिट कार्ड सारा सुविधा नहीं था ना, तो वो ट्रेवलर्स चेक लेकर के आते थे, हाँ, और वो बैंक में दिए, बैंक उनको क्या करती थी? पैसा दे देती थी। अब उतना पैसा घूमने के लिए लेकर तो नहीं आएंगे हवाई जहाज में, तो भाई क्या कर रहा है? ट्रेवलर्स चेक लेकर के आते, मतलब अपने बैंक से वो क्या करते थे? ट्रेवलर्स चेक बनाते थे और वो इंडिया में जमा करेंगे, तो इंडियन जो बैंक है वो क्या करेंगे? उनको पैसे देंगे। तो ट्रेवलर्स चेक ड्रॉन बाय इंस्टीट्यूशन आउटसाइड इंडिया बट पेबल इन इंडियन करेंसी। एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो आउटसाइड इंडिया है, उसके द्वारा एक ट्रेवलर्स चेक दिया गया है, लेकिन वो पेबल है किसमें? इंडियन करेंसी के अंतर्गत। तो क्या वो फेमा के अंतर्गत आएगा कि नहीं आएगा? वो भी आएगा, ठीक है, तो ये भी सी ठीक है। अगला है ड्राफ्ट ड्रॉन बाय बैंक आउटसाइड इंडिया एंड पेबल इन फॉरेन करेंसी। कोई ड्राफ्ट अगर क्या किया जाता है, आउटसाइड इंडिया बनाया जाता है, तो वो फॉरेन, और क्या है, आउटसाइड इंडिया बनाया भी गया है और पे भी किसमें किया गया है? फॉरेन करेंसी में। तो जब बनाना और खाना दोनों इंडिया के बाहर हो, इंडिया का कोई लॉ उस पर लागू नहीं हो। आंसर क्या हो जाएंगे? डी, ये फेमा के अंतर्गत इंक्लूड नहीं हो। अगर ये लिखा होता कि ड्राफ्ट ड्रॉन बाय आउटसाइड इंडिया बट पेबल इन इंडियन करेंसी, तो ये भी फेमा के अंतर्गत है, क्योंकि फेमा इंडिया का रूल है, तो वो इंडिया पे ही एप्लीकेबल हो, चाहे इंडिया में ड्रॉन किया गया हो, नहीं इंडिया में लिखा गया हो और पे किया गया हो फॉरेन करेंसी में, या फॉरेन में लिखा गया हो इंडियन करेंसी में पे किया जा रहा हो। मतलब लिखना और पे करना दोनों में से कम क्या होना चाहिए? इंडिया के साथ उसका रिलेशन होना चाहिए। यही चीज़ हम टैक्स में भी पढ़ते हैं, है ना, कोई ऐसा इनकम जो मान लीजिए जनरेट हुआ बाहर लेकिन इंडिया में प्राप्त हुआ है, जनरेट यहाँ पर हुआ बाहर प्राप्त हुआ, तो चाहे जनरेट हुआ हो चाहे प्राप्त हुआ हो इंडिया, वो क्या मानी जाएगी? इंडियन इनकम मानी जाएगी। सेम चीज़ यहाँ पर, तो फेमा के अंतर्गत क्या मानी चाहिए? वो कि ड्राफ्ट ड्रॉन बाय बैंक आउटसाइड इंडिया एंड
पेबल इन फॉरेन करेंसी ये फेमा के अंतर्गत इंक्लूड नहीं होगी, क्योंकि फेमा इंडिया का एक्ट है, तो इंडिया या तो इंडिया में ड्रॉन होना चाहिए या सेम क्वेश्चन फिर दिया गया कब अक्टूबर 14 2022 को सेम टू सेम क्वेश्चन ठीक है 19 में था ये भी दे दिया गया। देखिए कभी कभी कहते हैं कि क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते, कुछ कुछ क्वेश्चंस रिपीटेशन भी देखे जाते हैं। रीजन क्या है कि भाई किसी को थोड़े याद है उतना कि हमने पिछले 2-3 साल पहले क्या सेट किया था क्वेश्चंस, इसीलिए लोग कहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करके जाएंगे ना तो फायदा हो। ठीक है चलो अगला चैप्टर हमारा आता है सोशियो कल्चर फैक्टर्स एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन बिजनेस, मतलब कुछ सोशियो कल्चर फैक्टर्स होते हैं उसका बिजनेस के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस होता है ये जानने के लिए, और साथ ही साथ CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्वेश्चन नंबर ये आया विच वन इज ऑड, इनमें से कौन सा ऑड है, ऑड मतलब तीन एक जैसे हैं एक बिल्कुल अलग है। पहला क्या है इकोनॉमिक पॉलिसी, बी क्या है इकोनॉमिक प्लानिंग, सोशियो कल्चर फैक्टर्स, मैक्रो इकोनॉमिक सिनेरियो। तो तीन में देखेंगे इकोनॉमिक सी में लगा हुआ है क्या, सी क्या है सोशियो कल्चर फैक्टर्स। ठीक है आंसर क्या हो जाएगा सी। आगे बढ़ते अब आ गया है आपके पास कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो भारत सरकार जब इंडियन कंपनी एक्ट 2013 बन रही थी 2013 उसमें कहा गया कि भैया आप क्या कर रहे हैं, आप इंडिया में व्यापार कर रहे हैं, इंडिया से पैसा कमा रहे हैं और ये इस समाज से आप पैसा कमा रहे हैं प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो आपको कुछ क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं कुछ आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है किसके प्रति, समाज के प्रति है ना, किसके प्रति समाज के प्रति। लेकिन इसमें सभी कंपनियों को नहीं आना है, उसके लिए कुछ शर्तें लिख दी गई, अगर इन तीनों शर्तों में से कोई शर्त पूरा होता है तो आप पर CSR लागू होंगी वरना लागू नहीं। ठीक है शर्त तो याद होगा ही। चलिए 2019 के दिसंबर में CSR से ये क्वेश्चन आया, CSR विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंज्यूमर, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, रीजनेबल चांस एंड प्रॉपर सिस्टम फॉर एकम्प्लिशमेंट एंड प्रमोशन, इसके बाद टू सप्लाई गुड्स एट रीजनेबल प्राइस इवन व्हेन देयर इज सेलर्स मार्केट, इंप्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस, टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर बींग हियर्ड एंड रिड्रेस जेन्यून ग्रीवियंस। कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से CSR का मतलब क्या होता है, नहीं कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से CSR का क्या मतलब होता है ये बताना है, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से CSR का क्या मतलब होता है। इसमें एक चीज गलत है उसको देख लीजिए, सी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सी, सी में क्या लिखा हुआ है इंप्रूविंग द एफिशिएंसी हाँ द बिजनेस ऑपरेशन, बिजनेस के ऑपरेशन की एफिशिएंसी बढ़ानी है, इससे कंज्यूमर को कोई मतलब है क्या, मैं अपने बिजनेस का ऑपरेशन का एफिशिएंसी बढ़ाऊं घटाऊं उससे स्टूडेंट को क्या, या कि अगर मान लीजिए कोई दूसरा बिजनेस है तो उसका ग्राहकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो सी तो हमारा क्या है सीधा सीधा गलत। चलिए अब सी गलत है इसके इस क्वेश्चन के हिसाब से तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, अब बचेगा ए बी एंड बी डी। ठीक है जिसमें दोनों में बी कॉमन है, ए को पढ़ेंगे डी को पढ़ेंगे, लिखा है रीजनेबल चांस एंड प्रॉपर सिस्टम फॉर एकम्प्लिशमेंट एंड प्रमोशन, प्रमोशन कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से होने चाहिए कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनी ना उसमें कंज्यूमर का कोई रोल है क्या, नहीं। आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी डी, डी पढ़ते हैं टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर बींग हियर्ड, एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना ताकि हमें सुना जा सके, एंड रिड्रेस जेन्यून ग्रीवियंस, क्या कर सके एक जेन्यून ग्रीवियंस को क्या कर सके रिड्रेस कर सके, जैसा हमने कहा कंज्यूमर फोरम वाला। आंसर क्या हो जाएगा बी और डी, हमें तो मतलब है क्या, हमें मतलब है कि गुड्स का जो सप्लाई होगा
वो रीजनेबल प्राइस पर हो, चाहे सेलर मार्केट क्यों ना हो। दो तरह का मार्केट होता है, एक होता है सेलर मार्केट, एक होता है बायर मार्केट। सेलर मार्केट और बायर मार्केट क्या अंतर है? सेलर मार्केट बायर मार्केट, सेलर मार्केट वो मार्केट है जहां पर सेलर का दबदबा है। जैसे इसको एग्जांपल में समझ सकते हैं कि भाई छोटे से हाट का एग्जांपल लेते हैं गांव में, तो कुछ एक दिन ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए जितिया पावर खीरा है, उस दिन डिमांड उसकी चढ़ी रहती है, सेलर अपने हिसाब से डिसाइड करता है, उसको बोलते हैं सेलर मार्केट। एक होता है कंज्यूमर मार्केट, जहाँ कंज्यूमर डिसाइड करता है, कंज्यूमर का दबदबा है। जैसे गोभी एक बार बहुत, अभी अभी गोभी की कितनी प्राइस चढ़ी हुई है, अभी गोभी किस में है? सेलर मार्केट में। दिसंबर अंत होते होते या जनवरी के लास्ट में वो आते 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 क्या हो जाता है, वो कंज्यूमर मार्केट में बदल जाता है। हेलो लिए ना ठीक से जहा दद होता है, ठीक है। तो बोला सेलर मार्केट ही क्यों ना हो, लेकिन हमें जो गुड्स मिले वो रीजनेबल प्राइस पर। ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू। 2019 का क्वेश्चन, 2020 इसका, हाँ बी डी आंसर होंगे। हाँ आपको अब ये बताया था ना, एज पर कैरोल मॉडल, कैरोल पिरामिड मॉडल, कैरोल मॉडल, द फोर लेवल ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आर, नहीं कैरलोस जी ने एक पिरामिड दी थी, ठीक है। उस मॉडल के हिसाब से कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के कौन कौन से चार लेवल हैं? फिजिकल, इकोनॉमिक, सोशल, लीगल। फिजिकल, इकोनॉमिक, लीगल, इथिकल, फिलेंथ्रोपिक, इकोनॉमिक, लीगल, इथिकल, फिलेंथ्रोपिक, इकोनॉमिक, सोशल एंड इथिकल। क्या होगा, क्या होगा? फिजिकल, फिजिकल की बात उन्होंने नहीं की थी, क्या बात कही थी? फिलेंथ्रोपिक, ठीक है, फिर इकोनॉमिक, फिर लीगल और फिर इथिकल, ठीक है। उनका जो मॉडल बना हुआ था कुछ इस प्रकार से बना, पिरामिड जैसे बना हुआ, यही ना, इस तरह से बना हुआ था, चार लेवल थे इसमें। इसमें था फिलेंथ्रोपिक, इकोनॉमिक, सोशल, लीगल और इथिकल, है ना। ये उसके उनके मॉडल थे, कैरलोस पिरामिड मॉडल कहते हैं। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर कैडलॉस पिरामिड मॉडल। अगला है क्वेश्चन नंबर 2020 सेकंड शिफ्ट, द डिफेंडर्स ऑफ द सस्टेनेबिलिटी अप्रोच टुवर्ड्स कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉइंट आउट दैट, क्या रखना है? सस्टेनेबिलिटी अप्रोच रखना है किसके प्रति? सीएसआर के प्रति। इसमें से कौन से चूज होंगे? पॉइंट आउट दैट, क्या क्या पॉइंट निकल के आएंगे वहां से? ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी एग्जिस्ट विद इन अ biosphere that support all life, the success of business must be judged only against profitability, people have a strong ethical duty to cause no harm and only a prime face duty to prevent harm, business sole responsibility is to fulfill the economical functions they were designed to serve, customer service is most important, ठीक है। और भी कुछ दिया हुआ है क्या? नहीं। अब क्या करना है? ए बी बी सी डी ए सी एंड ए क्या होंगे इसमें से? क्या कहता है कि डिफेंडर्स ऑफ द सस्टेनेबिलिटी अप्रोच टुवर्ड्स कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति हमारा कैसा अप्रोच है? सस्टेनेबिलिटी अप्रोच है, इसको सस्टेन करके रखना है, बना के रखना है। तो इसके लिए हम कौन सा पॉइंट देंगे? कोई भी काम बोलते हैं तो उसके पीछे रीजन देते हैं ना, तो वो कौन सा पॉइंट क्या करेंगे, आउट करेंगे, जिससे वो क्या होगा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का डिफेंडर्स निकल के आएगा। तो लिखा हुआ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी एग्जिस्ट विद इन अ बायोस्फीयर दैट सपोर्ट ऑल लाइफ। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाने का मकसद ये था कि जो भी बिजनेस एक्टिविटी या इकोनॉमिक एक्टिविटी आप करते हैं, सब इसी बायोस्फीयर में करते हैं। क्या करते हैं? इसी बायोस्फीयर में करते हैं। तो बायोस्फीयर में करते हैं तो क्या करना है आपको, जो कि सभी तरह के लाइफ को सपोर्ट करता है, हमको भी सपोर्ट कर रहा है, कंज्यूमर को भी सपोर्ट कर रहा है, सबको सपोर्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से आपको क्या करना चाहिए? इस समाज की सेवा करनी चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा? ए, ओनली ए। ठीक है, मेन पॉइंट था कि भाई सभी एक्टिविटी कहाँ हो रही है? बायोस्फीयर में हो रही है,
इसीलिए आपको क्या करना है, उस चीजों को सपोर्ट करना होगा। ठीक है, चलो तीन का क्या हो जाएगा, डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला, सीक्वेंस द फॉलोइंग सीएसआर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड स्पेंडिंग एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार सीएसआर की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मतलब सीएसआर के अंतर्गत कौन सी कंपनियां एलिजिबल है, सीएसआर के अंतर्गत आएगी पहली बात, ठीक है, और उसका जो स्पेंडिंग होगा मतलब वो जो खर्च किए जाएंगे वो कैसे किए जाएंगे। हाँ, सबसे पहला है क्या, पॉजिटिव नेटवर्थ ऑफ रुपीज 5 करोड़ और मोर, 2% ऑफ एवरेज प्रॉफिट स्पेंड ऑन सीएसआर, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ और मोर, टर्नओवर 1000 करोड़ और मोर, एंड पीनल एक्शन फॉर नॉन कॉम्प्लायंस। तो यहां पर सबसे पहले देखिए एक्शन कब लिया जाएगा, पेनल्टी कब लगेगी कंपनी पर, जब वो इस चीज को फॉलो नहीं करता है, तो ई तो लास्ट में होगा सबसे, ठीक है। अब ई लास्ट में होगा तो दो ही ऑप्शन बचता है, सी और डी। अब कहता है कि सबसे पहले क्या दे बोल रहा है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताइए और उसके बाद क्या बताइए, स्पेंडिंग बताइए। स्पेंडिंग क्या बोल रहा है, हाँ स्पेंडिंग कहां पर है, 2% ऑफ एवरेज प्रॉफिट स्पेंड ऑन सीएसआर, वो कहां पे आ जाएगा, ई से जस्ट पहले आ जाएगा, ई के पहले क्या आ जाएगा, बी। जब ये बी नहीं करेगा तब ना ई में उसको क्या करेंगे, पेनल्टी लगाएंगे। आंसर क्या हो जाएगा, सी से बन जाएगा। अभी तक क्राइटेरिया आप नहीं जानते थे तब मैंने बना दिया क्वेश्चन, मैं क्राइटेरिया नहीं जानता था, सिर्फ दिमाग लगा क्वेश्चन बनाया कि भाई पहले स्पेंडिंग, पहले क्या होंगी, सबसे लास्ट में क्या होती है, एक्शन। एक्शन कब होगा, जब वो खर्च नहीं करता है, तो एक्शन से जस्ट पहले क्या होना चाहिए, खर्च। एक्शन से पहले खर्च करेंगे तो क्या आ जाएगा, आंसर सी आ जाएगा, ठीक है। ये जब मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं जानता हूं तब, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात, अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जब बात करेंगे तो सबसे पहले क्या आता है हमारे, सबसे पहले आता है टर्नओवर कितना होना चाहिए, 1000 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, जिस कंपनी की टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा हो, ठीक है। अब टर्नओवर के बाद क्या आती है, नेटवर्थ, है ना, लेन देन क्या है, उसके बाद किसके नेटवर्थ की बात करता है, किसकी बात करता है, नेटवर्थ की बात करता है। नेटवर्थ में कहा है पॉजिटिव नेटवर्थ ऑफ रुपीज 500 करोड़ और मोर, नेटवर्थ कितना होना चाहिए उसका, 500 करोड़। नेटवर्थ क्या होना चाहिए उसका, 500 करोड़। डी के बाद क्या आ जाएगा हमारा, ए आ जाएगा, यहाँ पर गलती है, ठीक है। उसके बाद अब बात किसकी आएगी, नेटवर्थ की, सॉरी नेटवर्थ हो गया, उसके बाद नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट क्या होना चाहिए, 5 करोड़ और मोर इन गिवन फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में उसका क्या हो, 5 करोड़। अगर ये सारी चीजें आ जाती हैं तब वो क्या हो जाता है, तब कहा जाता है कि आपको अपने एवरेज प्रॉफिट का, मतलब 3 साल का एवरेज प्रॉफिट लिया जाएगा और उसका 2% खर्च करना है। सोचिए, सबको नहीं बोला गया है, कम ही लोगों को बोला गया जो बहुत बड़े बड़े का, है ना। चलिए, उसका 2% भी बहुत होगा ना। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द कंटिन्यूइंग कमिटमेंट बाय बिजनेस टू बिहेव इथिकली एंड कंट्रीब्यूट टू। सीएसआर क्या करता है, तो सीएसआर करता है कंटिन्यूइंग एंड कमिटमेंट बाय बिजनेस टू बिहेव इथिकली एंड कंट्रीब्यूट टू। बिहेव आपको कैसे करना है, इथिकली बिहेव करना है, इथिकल मतलब नैतिकता के साथ, हाँ नैतिकता के साथ बिहेव करना है तो क्या होना चाहिए इसमें, पॉलिटिकल अवेयरनेस, सोशल सिक्योरिटी इंक्लूजन, पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन, लिटरेसी, मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस एंड प्रोटेक्टिंग एनवायरनमेंट, जेंडर डाइवर्सिटी, प्रॉफिटेरिंग एंड मार्केट कंट्रोलिंग, रेंडरिंग, स्पॉन्सरिंग एंड डोनेटिंग टू सोशल एंड चैरिटेबल एक्टिविटीज। सीएसआर में जब आप आ जाएंगे 2% खर्च करने के लिए कहा जाएगा तो आप किन किन चीजों पर खर्च करोगे, आप किन किन चीजों पर खर्च करोगे, आप क्या करोगे, आप पॉलिटिकल अवेयरनेस लाओगे, ठीक है,
पॉलिटिकल अवेयरनेस लाना उसका काम नहीं है ना, उसका काम क्या है, जो इस बायोस्फीयर में लोग हैं उसके हेल्थ के ऊपर, उसके एजुकेशन के ऊपर, उसके लिटरेसी पर क्या करना, खर्च करना, ठीक है। जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको क्या करना, प्रोटेक्ट करना, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, जो हमारा अलग अलग चैरिटेबल एक्टिविटीज है, सोशल एक्टिविटीज है, उसको रेंडर करना, उसको स्पॉन्सर करना, उसको डोनेट करना। आंसर क्या जाएगा हमारा, बी सी ई, क्या जाएगा, बी सी ई, क्लियर। चलिए आगे बढ़े, अगला आ रहा है स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस ग्लोबलाइजेशन एंड इट ड्राइवर्स मोड ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस, है ना। ग्लोबलाइजेशन के बारे में इसमें पढ़ाया गया है, नहीं मोड्स ऑफ एंट्री, कि बिजनेस में हम इंटर कैसे करेंगे, इसके बारे में, इसके बारे में 18 दिसंबर में क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन गवर्नमेंट एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडिया, ठीक है। 18 दिसंबर, देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा था कि भाई भारत सरकार की कौन सी एजेंसी किसके लिए, इंटरनेशनल ट्रेड को मॉनिटर करने के लिए और इंटरनेशनल ट्रेड को डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नाम है सबसे पहला फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल, क्या हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में, इसमें से क्या है, भाई ट्रेड को कौन बात कर रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, आंसर क्या हो जाएगा, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, सी आंसर, उसमें आंसर गलती दिया हुआ इसका। हाँ तो क्या हो गया, इंटरनेशनल ट्रेड हो किसी बात हो, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंदर अलग अलग विभाग बने हुए, क्या है, एक मिनिस्ट्री है ना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, उसमें डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स बना हुआ, तो ट्रेड को ही मैनेज करता है, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड हो या ट्रेड हो, मैनेज कौन करेगा, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, आंसर हो जाएंगे सी। चलिए अगला है उपासला मॉडल फॉर इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस इज नॉट वैलिड फॉर, उपासला मॉडल इंटरनेशनल बिजनेस के किस ऑपरेशंस के लिए वैलिड नहीं है, उपासला मॉडल। सबसे पहला है क्या, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, एग्री बिजनेस इंटरप्राइजेस, ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस, इसके बारे में पूछा है क्वेश्चन। उपासला मॉडल इन सभी दिए गए में से किसके लिए क्या है, उपयुक्त नहीं है, उपासला मॉडल उसमें नहीं लिखा था, बाद में हम लिखवाए थे। ठीक है, उपासला मॉडल लिखना है इसके बारे में, लिखिए उपासला मॉडल के बारे में। उपासला मॉडल की एक खास बात होती है, इस उपासला मॉडल क्या करता है कि भाई आपको बताता है कि आपको कैसे करना है, आपको कैसे अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है इंटरनेशनली। लेकिन इसमें दो खास बात होती है, ठीक है, लिखेंगे। दिस मॉडल This model is focused focused on
focused on a firm choose to enter nearby market with low market commitment. With low market commitment. ये कहता है कि किसी फर्म को क्या करना चाहिए सबसे पहले उसे करना क्या चाहिए, तो सबसे पहले उसे ये करना चाहिए कि वो उसे सोचना चाहिए कि पहले हम क्या करते हैं, नियर बाय मार्केट को पहले क्या करते हैं, चूज करते हैं। अब इंडिया से बाहर निकल रहे हैं इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, तो सीधे ये नहीं कि अमेरिका चला जाना है। अब इंडिया से हटा हुआ कौन है, पहले इंडिया से हटा हुआ कौन है, नेपाल पहले एंटर करते हैं, पाकिस्तान। तो पहले नियर बाय मार्केट में क्या करते हैं, फैलते हैं अपने आप को, ठीक है, विद लो मार्केट कमिटमेंट। और बड़ी बड़ी कमिटमेंट नहीं करते हैं, पहले लो कमिटमेंट करते हैं कि पहले इसको पूरा करते हैं कि नहीं करते हैं। जब इसको कर लेंगे तो फिर उससे बढ़ा। तो बोलता है कि इस सभी बिजनेस में से कौन से ऑर्गेनाइजेशन पर उपासना मॉडल क्या होगा, वैलिड नहीं होगा, उपासना मॉडल वैलिड नहीं होगा। इसका देखिए, एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन को दूर दूर फैला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद है ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस, इसको भी दूर दूर बढ़ा सकते हैं। एग्री बिजनेस, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, दूर दूर बढ़ा सकते हैं। देखिए, सबसे दिक्कत कहाँ पे आती है, सर्विस के अंतर्गत। यहाँ पे क्या जाएगा आंसर, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, क्या आंसर आ जाएगा, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। इसको भी ठीक कर लीजिएगा, टू का क्या हो जाएगा, बी, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। पासला मॉडल, ठीक है। इसके चार कोर कमिटमेंट है, लिखिए फोर कोर कंसेप्ट, हो सकता है कि कहीं कोर कंसेप्ट पर क्वेश्चन पूछते। इसके फोर कोर कंसेप्ट, सबसे पहला है मार्केट कमिटमेंट, मार्केट कमिटमेंट, कि मार्केट में जो कमिट करेंगे वो चीज है कमिटमेंट। उसके बाद है मार्केट नॉलेज, उस मार्केट की आपकी नॉलेज कितनी है, मार्केट नॉलेज, मार्केट नॉलेज। उसके बाद करंट एक्टिविटीज, अभी आप क्या कर रहे हैं, करंट एक्टिविटीज। और कमिटमेंट डिसीजन, जो कमिट कर रहे हैं, कमिटमेंट डिसीजन, कमिटमेंट डिसीजन, मार्केट कमिटमेंट, मार्केट नॉलेज, करंट एक्टिविटीज, कमिटमेंट डिसीजन। ये इस मॉडल के चार कोर कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, क्लियर। दो चीजें सीखे, कौन कौन सा, उपासना मॉडल क्या कहता है कि आपको नियर बाय मार्केट में पहले फैलना है, किसके साथ, लो कमिटमेंट के साथ, किसके साथ, लो कमिटमेंट के साथ। इसके चार कोर कंसेप्ट है, मार्केट कमिटमेंट, मार्केट का नॉलेज, करंट एक्टिविटीज और कमिटमेंट डिसीजन, ठीक है, ये उपासना मॉडल। चलिए 2021 में फिर क्वेश्चन पूछा इससे, फॉलोइंग आर द प्रॉब्लम्स दैट मेजर एंड ऑप्टिमल इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन।
हाँ मेजर, दैट मेजर ही होगा, यहाँ पर कुछ मिसिंग हुई है। हाँ हाँ इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन, अनफेवरेबल एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स, फ्रिक्शन इन इंटरनेशनल मार्केट, उसके बाद मैनिपुलेशन ऑफ सिक्योरिटी, सॉरी सिक्योरिटी प्राइसेस, अनइक्वल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। भाई इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर जो डाइवर्सिफिकेशन आया है, क्या आया है? डाइवर्सिफिकेशन आया है, उसका उसके पीछे रीजन क्या है? डाइवर्सिफिकेशन के पीछे, डाइवर्सिफिकेशन के पीछे रीजन क्या है? डाइवर्सिफिकेशन का क्या मतलब है? सबसे देखिए, अनइक्वल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, मैनिपुलेशन ऑफ सिक्योरिटी प्राइसेस, उसको मैनिपुलेट किया गया है, साथ ही साथ क्या किया गया है आपका, फ्रिक्शन इन इंटरनेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट में फ्रिक्शन है, अलग अलग बदलाव जैसा देखने को मिलता है, अलग अलग हर एक जगह क्या है, अलग अलग तरह की चीजें हैं, उसको फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी सी डी, क्या बनेगा आंसर, बी सी डी आंसर हो गया आपके, ये डी। चलिए अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर फेवर प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन इन द इंटरनेशनल मार्केट। इसका बोला कि इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर जो डाइवर्सिफिकेशन है, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब अलग अलग जगह अलग तरह की देखने को मिलती है, क्यों तो है क्या कि भाई सबसे पहला अनइक्वल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन एक्सेस करने का जो तरीका है वो अनइक्वल है, सबके पास अलग अलग तरीका है। दूसरा है मैनिपुलेशन ऑफ सिक्योरिटी प्राइसेस, जो सिक्योरिटी प्राइसेस उसमें क्या किया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है, उतार चढ़ाव। ठीक है, उसके बाद क्या है, मार्केट के अंदर फ्रिक्शंस पाई जाती है, मार्केट के अंदर क्या पाई जाती है, फ्रिक्शंस पाई जाती है। इन तीनों कारणों की वजह से क्या है, इंटरनेशनल मार्केट में हमें डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलता है। ठीक है, हाँ चलिए, हाँ ए नहीं बी सी डी, हाँ बी आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर फेवर प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन इन द इंटरनेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर प्रोडक्ट को क्या करना है, स्टैंडर्डाइजेशन करना है, उसके लिए क्या करना चाहिए, हाई कॉस्ट ऑफ एडॉप्शन, हाई कॉस्ट एडॉप्ट कर लूं क्या, उसके बाद वेरिएशंस इन कंडीशन ऑफ यूज, कंट्री ऑफ ओरिजिन इफेक्ट्स, इसका कंट्री का ओरिजिन इफेक्ट्स, उसके बाद क्या है, इकोनॉमीज इन R&D, डिफरेंसेज ऑन टेक्निकल स्टैंडर्ड्स। हमें क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर फेवर प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन इंटरनेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट में प्रोडक्ट को क्या करना है, स्टैंडर्डाइजेशन बढ़ाना है उसके प्रोडक्ट का, तो क्या करना चाहिए उसके लिए, सबसे पहले हाई कॉस्ट ऑफ एडॉप्शन, ये होगा क्या, वेरिएशंस इन कंडीशन ऑफ यूज, कंट्री ऑफ ओरिजिन इफेक्ट्स, इकोनॉमीज इन R&D, डिफरेंसेज इन टेक्निकल स्टैंडर्ड्स, क्या नहीं होगा, ई नहीं होगा, क्यों क्यों नहीं होगा, स्टैंडर्डाइज करना तो क्या करना चाहिए, ओरिजिन इफेक्ट, जहां से वो बना हुआ है, क्या क्या होगा, हाई कॉस्ट ऑफ एडॉप्शन, वेरिएशन इन कंडीशन ऑफ यूज, कंट्री ऑफ ओरिजिन इफेक्ट्स, इकोनॉमीज इन R&D, दो इसमें से सही कौन लग रहा है, सो बताइए, एक हमको लग रहा है कौन सा, डी इकोनॉमीज इन R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जितना करेंगे प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड उतना ही अच्छा बढ़ेगा, है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम काम करती रहती है प्रोडक्ट पर। इसके बाद क्या है हमारा, सी कंट्रीज ऑफ ओरिजिन इफेक्ट्स, ठीक है, जिस कंट्री के में क्या हुआ है वो उत्पन्न हुआ है, उसका ओरिजिन इफेक्ट्स भी उसे क्या करता है, स्टैंडर्ड बनाता है, जैसे मिथिला मखाना, मखाना आप कहें कि अमेरिका का मखाना तो खरीद लेंगे, क्या है, वही है ओरिजिन इफेक्ट,
चाइना का लीची खरीदेंगे, भागलपुर का अति पाकिस्तान का केला भागलपुर का, तो वो क्या है ओरिजिन इफेक्ट है उसका, सिर्फ देखेगा मकान पर लिखा हुआ क्या मिथिला बस खरीद लेगा, है मिथिला मकान, चाहे वो कहीं से कहा है नया सरा, तो ओरिजिन इफेक्ट वो क्या करता है स्टैंडर्ड बनाता है। ठीक है, अगला है क्या इकोनॉमिक्स इन R&D, और दूसरा क्या करना चाहिए इंटरनेशनल मार्केट में, हाई कॉस्ट को अडेप्ट करिए, क्या करना पड़ेगा हाई कॉस्ट को अडेप्ट करना पड़ेगा, तो क्या आंसर क्या हो जाएगा ACD, है ना। मिथिला पेंटिंग के लिए कितना ही पैसा देने के लिए तैयार हो जाएगा ना भैया अमेरिका वाला लोग, कि नहीं तैयार होगा। एक हमको पता चला है कि यहां से यहां मखान कितने का बिकता है अमेरिका में 8,000 रुपये किलो बिकता है, और इंडिया का आदमी ही बेचता है वहां पर, इंडिया का आदमी ही 8,000 का केजी बेचता है बड़े बड़े कॉरपोरेट से, किसान से कितना खरीदता है 600 तो हमको देता है ना, किसान से कितना खरीदता होगा वो 400 से 500, नहीं 400-500 मान लेते हैं, तो बेचता कितने में है 8,000 का केजी एक्सपोर्ट होता है यहाँ से इंडिया से अलग अलग मार्केट में चाइना, क्योंकि कहता है कि अगर आपको शुगर भी है डायबिटीज भी है तो मखाना आप खा सकते हो रोस्टेड करके, रोस्टेड मखाना भाई 8,000-8,000 का केजी बिकता है, सोचिए तो 500-8,000, जरूरत किसकी पता है, नहीं पैसा और दिमाग दोनों की, दिमाग मेरे पास आ गया है बट पैसा ही नहीं है, क्योंकि उसके लाइसेंस लेने के लिए करीबन कब तक चाहिए कम से कम आपको एक्सपोर्ट लाइसेंस के लिए 10,00,000 रुपये, एक्सपोर्ट लाइसेंस के लिए आपको सरकार के हाथ में कितना जमा करना पड़ेगा 10,00,000 रुपये जमा करने पड़ेंगे, क्योंकि मान लीजिए कभी धोखाधड़ी कर दिया आपका पैसा लेकर के दे देंगे उसको, ठीक है। इसीलिए एक बार JRF कर लेगा तो कहाँ पता है इंटरनेशनल मार्केट में अपने आप पहुँच बन जाएगी, क्योंकि 10,00,000 तो उसके बाद जमाना क्या है बहुत आसान काम, सोचिए ना 500 और 8,000, ठीक है। इसीलिए खाली बस पढ़ते जाइए, ठीक है, और पैसा कमाइए आप, उसके बाद दिखाऊंगा मैं कि भाई पैसा किसको कहते हैं गेम खेलना, कहाँ कहाँ से कहाँ से कितना आता है। संजय सरावगी जी वैसे ही नहीं बन रहे, पूरा मकानों कंट्रोल किए हुए हैं जानबूझकर, पता है, चलिए ठीक है ACD बी आंसर। अगला है ग्लोबलाइजेशन एंड इट ड्राइवर्स, उसके टॉपिक है 2012 जून में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्स्टिकल टू ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के लिए सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल क्या है, सबसे बड़ा दिक्कत जो है ग्लोबलाइजेशन के बारे में वो क्या है, वाइड बेस, निश मार्केट, ऑब्सोलेंस एंड कॉम्पिटिशन, क्या है सबसे बड़ा, ग्लोबलाइजेशन क्यों नहीं लाना चाहती थी सरकार, या ग्लोबलाइजेशन से सबसे बड़ा खतरा किसको है, ऑब्स्टिकल क्या है ग्लोबलाइजेशन का, निश मार्केट, निश मार्केट का मतलब क्या होता है, जो हमारे लोकल ग्राहक लोकल मार्केटर्स किराने दुकान वाले, जब से बिग बाजार आया है उसकी बैंड बजा दी गई है ना, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा कॉरपोरेट है, सीधा डिस्काउंट ये तो वो, और कंज्यूमर क्या चाहेगा, उसको तो भाई फ्री में कुछ भी पिला दो जहर ही पी ले उठा, ठीक है, फायदा नुकसान उसे नहीं दिख रहा है, ठीक है, उसे प्रॉफिट दिखना चाहिए फ्री दिखना चाहिए, बस वो दौड़ चलेगा। तो सबसे बड़ी मार्केट किसकी थी, दिक्कत निश मार्केट की। अगला है व्हाट आर द ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के कौन कौन से ड्राइवर्स है, पॉपुलेशन मोबिलिटी स्पेशली ऑफ लेबर, फाइनेंशियल फ्लो, एक्सपोर्टिंग, असेंबली ऑपरेशन, क्या होंगे, व्हाट आर द ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, सबसे पहला क्या फाइनेंशियल फ्लो और असेंबली ऑपरेशन, ठीक है, बी डी फाइनेंशियल फ्लो और असेंबली ऑपरेशन। चलिए assertion reasoning question, ग्लोबलाइजेशन refers to the free cross border movement of goods
सर्विसेज, कैपिटल, इंफॉर्मेशन एंड पीपल। भाई ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि क्या करना, फ्री क्रॉस बॉर्डर, क्या करना, फ्री क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट करना गुड्स का, सर्विस का, कैपिटल का, इंफॉर्मेशन का, सही है ना। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लेबर भेजना, एक जगह से दूसरी जगह कैपिटल इन्वेस्ट करना, ठीक है भाई, सर्विस यहाँ से वहाँ प्रोवाइड करना, गुड्स सप्लाई करना, ये सारा क्या है, ग्लोबलाइजेशन है, ठीक है, अच्छी बात। चलिए अगला रीजन, कंट्रीज आर कंसिस्टेंटली इवॉल्विंग इनोवेटिव मार्केटिंग बैरियर्स दैट आर WTO कंपैटिबल। क्या करता है, जो कंट्रीज है वो कंसिस्टेंटली क्या है, इवॉल्विंग इनोवेटिव मार्केट, वो बड़े नए नए मार्केट खोजते रहते, ठीक है, इनोवेटिव मार्केटिंग बैरियर्स दैट आर WTO कंपैटिबल। WTO का मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है कि पूरी दुनिया में ट्रेड क्या होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, पूरी दुनिया में ट्रेड क्या होना चाहिए, बिल्कुल फ्री होनी चाहिए, है ना, ठीक है, बिल्कुल क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। और ये क्या किसकी बात कर रहा है कि बोला कि ऐसे बैरियर्स जो कि WTO कंपैटिबल। अब लोग चाहते हैं कि क्या हमारे देश में कम से कम सामान आए, हम दूसरे देश को खूब बेचें, ये सब चाह रहे हैं, इंडिया भी यही चाह रहा है कि भाई हम एक्सपोर्ट करते रहे, इंपोर्ट कम से कम करें। तो लेकिन इंपोर्ट को रोकने के लिए आप डायरेक्ट इंपोर्ट नहीं रोक सकते, क्योंकि WTO क्या करेगा फिर आपसे पूछेगा क्यों रोक दिया। तो आपको ऐसे बैरियर्स क्रिएट करने हैं जो कि WTO के साथ कंपैटिबल हो। आप क्या बढ़ा सकते हैं, टैक्स बढ़ा सकते हैं, नहीं वो भी बैरियर क्रिएट कर देगा। जैसे आप चाइना का क्या कर दे, सीधा रोक नहीं सकते हैं व्यापार, आप क्या कर सकते हैं, आप टैक्स बढ़ा सकते हैं, हाई टैक्स कर देंगे। तो हाई टैक्स कर देंगे तो WTO भी कुछ कहेगा नहीं, क्योंकि आपने ट्रेड थोड़ी रोका, आप बोलेगा कि ट्रेड सर ट्रेड कहाँ रुका हुआ है, ट्रेड तो चल रहा है, टैक्स ज़्यादा हो गया, वो तो क्या है, देश पर निर्भर करता है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए और आर ट्रू, आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि ए में कहता है कि फ्री सप्लाई करना है गुड्स को, और यहाँ पर क्या कहता है कि रोकना है बैरियर्स लगा के, लेकिन वो कैसा बैरियर होगा जो कि WTO के नजर में भी नहीं है, ठीक है। हाँ तो जो लोग चिचिया रहा था जब चाइना से वॉर चला था, काहे नहीं बंद कर देता है सामान लेना, ठीक है, आप वहां पर जवाब देंगे ना, काहे नहीं दे सकता है, क्योंकि WTO क्या करेगा, इंडिया पर बैन लगा देंगे, ठीक है। इस बात विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स रिस्ट्रेन ग्लोबलाइजेशन, कौन कौन से ग्लोबलाइजेशन को रिस्ट्रेन, इसका बढ़ाना, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंटरग्रेशन, नेशनलिज्म, इमर्जिंग ट्रेड बैरियर्स, रेगुलेटरी कंट्रोल्स, मोर टुवर्ड्स फ्री मार्केटिंग सिस्टम, क्या होंगे इसका, इंटरनेशनल बिजनेस को क्या करना है, रिस्ट्रेन करना है, तो क्या हो जाएगा, नियंत्रित करना होता है, कंट्रोल, रिस्ट्रेन कहते हैं। कौन कौन सा रिस्ट्रेन करता है ग्लोबलाइजेशन को, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, नेशनलिज्म, इमर्जिंग ट्रेड बैरियर्स, ग्लोबलाइजेशन करना है तो ट्रेड बैरियर्स होगा क्या, वहां पर ट्रेड बैरियर्स होगा या नहीं होगा अगर नियंत्रित करना है तो ट्रेड बैरियर लगाने पड़ेंगे ना, अभी तो पढ़ा है ना कि अगर हमें क्या करना है, इंपोर्ट को कम करना है, रोकना है, नियंत्रित करना है, तो क्या करेंगे, ट्रेड बैरियर लगाएंगे हम, क्या लगाएंगे, ट्रेड बैरियर लगाएंगे, ठीक है, इमर्जिंग ट्रेड बैरियर। इसके बाद रेगुलेटरी कंट्रोल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, फ्री मार्केटिंग सिस्टम, मार्केट सिस्टम को और फ्री कर देंगे, फ्री जब कर देंगे तो फिर कैसे कंट्रोल होगा, तो ई तो कट जाएगा पहले ही, अब क्या बचा, बी सी डी और ए बी डी, दोनों में कॉमन क्या है, बी डी बी डी, तो सी को देखना और ए को देखना, ए क्या बोल रहा है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, और सी बोल रहा है इमर्जिंग ट्रेड बैरियर। जब सभी चीजों को एक जगह इंटीग्रेट कर देंगे, पूरे पूरे इंटरनेशनल बिजनेस को, तो कंट्रोल हो पाएगा क्या, हमें नियंत्रित करना है ग्लोबलाइजेशन को, रिस्ट्रेन, तो नियंत्रित करके रखना है, तो क्या हो जाएगा हमारा, बी सी और डी, नेशनलिज्म को ध्यान में रखना है, राष्ट्रीय, भारत बढ़ेगा, है ना, मेड इन इंडिया,
मेक इन इंडिया, सारा यही खेल है नेशनलिज्म, ठीक है। चलो बी सी डी, अगला है मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस में एंट्री करने के लिए अलग अलग मोड्स, जिसमें पहला क्वेश्चन 18 दिसंबर, द कंपनीज हैविंग बिजनेस इन लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड एट प्रेजेंट आर कॉल्ड, ऐसा कंपनी जिसका बिजनेस पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है उसका क्या नाम, उसको क्या कहेंगे, ट्रांजिशनल कॉरपोरेशन, ग्लोबल कॉरपोरेशन, मल्टीनेशनल इंटरप्राइजेस, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, एमएनसी, क्या कहेंगे उसको। बोला कि द कंपनीज हैविंग बिजनेस इन लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज, उसको क्या कहेंगे, ग्लोबल के। जिस एक होता है क्या, सबसे पहले डोमेस्टिक कंपनी होती है, सिर्फ इंडिया में व्यापार करेगी डोमेस्टिक, ठीक है। उसके बाद क्या बन जाती है, एक दो देशों में व्यापार करना शुरू कर दी, नेपाल पाकिस्तान, तो क्या बन जाएगी, इंटरनेशनल कंपनी। उसके बाद क्या बनेंगी, जब 10-20 देशों में व्यापार शुरू हो जाएगी तो मल्टीनेशनल बन जाएगी, जब लार्ज नंबर ऑफ क्या कर रही हैं तो ग्लोबल बन जाएंगे, और जब उस फील्ड में वही केवल एक है और सुप्रीम है तो क्या बन जाएंगी, ट्रांजिशनल कंपनी, TNC बन जाएगी। तो पहले डोमेस्टिक, फिर DC, IC, MNC, GC और TNC, या TC कहेंगे उसको, ट्रांजिशनल, ठीक है। उसका हायरार्की बना हुआ है नोट्स में, देखिएगा, काजल आप ही को कह रहे हैं नोट्स में हायरार्की बना हुआ है। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोड ऑफ एंट्री इनटू फॉरेन मार्केट आर रिस्क एंड प्रॉफिट पोटेंशियल इन द हाईएस्ट, दिए गए मोड में से ऐसा कौन सा मोड है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर घुसने के लिए जिसमें रिस्क और प्रॉफिट क्या है, हाईएस्ट आने वाले संभावना है कि रिस्क और प्रॉफिट क्या होंगी, यहां पर हाईएस्ट होंगी। ज्वाइंट वेंचर के अंदर, इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग के अंदर, डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग के अंदर, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर, क्या बोल रहा है, मार्केट रिस्क और प्रॉफिट दोनों हाईएस्ट होंगी। जल्दी जल्दी करिए इसका, क्या हो जाएगा ये थोड़ा, ज्वाइंट वेंचर का क्या मतलब, क्या होता है, जो पहले से कर रहा होगा वहां के साथ जाके मिल जाएंगे। एक होता है क्या, इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग, किसी दूसरे का चैनल यूज करके हम एक्सपोर्ट करेंगे, हमारा खुद का चैनल नहीं है वहां तक पहुंचने का, दूसरे के माध्यम से वहां पहुंचेंगे, या तो डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग कर लेंगे, ठीक है। हमें क्या बोल रहा है, रिस्क भी बहुत ज्यादा है और प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वहीं पर जाकर सीधा इन्वेस्ट कर देंगे। अब नेपाल में सीधे कंपनी खोल देंगे, तब ज्यादा रिस्क है कि नेपाल को माल सप्लाई करेंगे तब ज्यादा रिस्क है, कंपनी खोलेंगे तब ना ज्यादा प्रॉफिट, तब ज्यादा रिस्क, ठीक है। अगर हम बाहर से एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो क्या होता है, रिस्क कम ना होता है वहां पर। क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से पढ़िए, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, डी, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगला है, विच इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट मोड ऑफ एंट्री इन इंटरनेशनल बिजनेस टू एन इंटरप्राइजेस विथ लिटिल एक्सपीरियंस ऑफ इंटरनेशनल मार्केट। आपको इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बहुत ही छोटा, लिटिल क्या है, लिटिल एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो आपको कौन सा मोड के तरफ जाना चाहिए, बहुत कम अनुभव है आपके पास, तो एक्विजिशन करना चाहिए। एक्विजिशन का मतलब समझते हैं ना, दूसरे को क्या करना, खरीद लेना, स्ट्रैटेजिक अलायंस बना लेना चाहिए दूसरे के साथ, अलायंस बना करके, उसके बाद ज्वाइंट वेंचर बना करके या एक्सपोर्ट करके। बहुत कम नॉलेज है अभी इंटरनेशनल मार्केट का, और एंट्री करना चाहते हैं आप इंटरनेशनल बिजनेस में, नहीं फिर दूसरे बिजनेस में दूसरे भरोसा नहीं करना चाहिए, कितना दिन सिखाया है मैंने, ठीक है। बिजनेस में लॉस का दो कारण होता है, हमको देखकर नहीं सीखा अभी तक, हाँ, बिजनेस में भावना और विश्वास जल्दी नहीं करनी चाहिए, तो लोग बुरा देगा, ठीक है, ये सही बात बता रहा हूँ। तो डायरेक्ट ना किसी के साथ मिलेंगे, ना किसी को खरीदेंगे, ना ही ज्वाइंट वेंचर बनाएंगे, क्योंकि सब क्या चाहते हैं पता है, इसको बर्बाद कैसे कर, ठीक है। तो सीधा सीधा मतलब क्या है, एक्सपोर्ट कर दे, क्या कर दे, एक्सपोर्ट। आंसर क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट, गया तो ठीक है, नहीं गया तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, माल भेजे बिका तो ठीक है, नहीं बिका तो कोई बात नहीं, थोड़े कि किसी के साथ मिल गए हैं, अब आपके साथ मिल करके उसने कंपनी बना ली और वो निकल गए, ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं। तो बिजनेस में क्या करनी चाहिए, भरोसे बहुत दिनों के बाद, तुरंत नहीं है, क्योंकि अभी आपके पास बहुत कम नॉलेज, ठीक है, ये चीज़।
आपको देख करके दो तीन चीजें सीख सकते हैं बिजनेस में साथ में। ईपीआरजी फ्रेमवर्क, किसी के साथ विश्वास नहीं करना चाहिए, ठीक है। ईपीआरजी फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है? एथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, रीजनोसेंट्रिक एंड जियोसेंट्रिक। सबसे पहला क्या, हम उतना ही सामान बनाएंगे जितना घर में बेच सकते। उसके बाद क्या, पॉलीसेंट्रिक, हम उस सामान क्या करते हैं, अपने यहाँ तो बनाए, यहाँ पर किलो कुछ रह गया तो कुछ बाहर भेज दिए, अब हम क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर रीजन के लिए एक सामान बना रहे हैं। ये चाहे भारत हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, ये लोग एक ही तरह का ड्रेस पहनता है बना। और जब हमारा अप्रोच पूरे ग्लोब को पकड़ने के लिए हो, उसको बोलते हैं जियो सेंट्रिक। जैसे अभी गूगल जो है वो किस पर काम कर रहे हैं, जियो सेंट्रिक के ऊपर। किस पर काम कर रहे हैं, जियो सेंट्रिक के ऊपर काम कर रहे हैं। क्यों, इंटरनेट और गूगल सब कुछ है, ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं जिनको नहीं चाहिए। अगला है, अ मल्टीनेशनल फॉर्म, सॉरी फॉर्म्स इज वन विच, मल्टीनेशनल फॉर्म किसे कहेंगे, सोर्स सप्लाईज फ्रॉम मल्टीपल कंट्रीज, एक्सपोर्ट प्रोडक्शन टू मल्टीपल कंट्रीज, कंट्रोल एंड ऑपरेट प्रोडक्शन फैसिलिटीज इन मल्टीपल कंट्रीज, हैज कंसुलर एक्सेस इन मल्टीपल कंट्रीज। एमएनसी किसे कहेंगे, मल्टीनेशनल कंपनी या फॉर्म किसे कहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी किसे कहते हैं। सबसे पहला क्या कहा था, डोमेस्टिक कंपनी, अपने घर में बना रहे हैं तो सारा कंट्रोल अपने आप के हाथ में है। अब यहीं पर कंपनी है लेकिन यहां से सामान कहां भेज रहे हैं, नेपाल को भेज रहे हैं, चाइना को भी भेज रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, हमारा इंटरनेशनल कंपनी हो जाएगा। अब हम बनाने जा रहे हैं एमएनसी, तो जब एमएनसी बनाने जा रहे हैं तो वहां पर क्या होगा, प्रोडक्शन यूनिट हो सकता है कि इस जगह से दूसरे जगह भी डालना पड़े, जैसे चाइना में डाल देंगे उठा के, क्योंकि वहां प्रोडक्ट बनाना क्या है, सस्ता है। बहुत सारे इंडिया की ऐसी एमएनसी कंपनी है जिसका प्रोडक्शन कहाँ होता है, चाइना में, बिकॉज वहां पर क्या है, कम इन्वेस्टमेंट में प्रोडक्ट बना सकते हैं, इंडिया में वो चीजें महंगी हो जाती है। तो बोला कंट्रोल एंड ऑपरेट प्रोडक्शन फैसिलिटीज इन मल्टीपल कंट्री, जिसका कंट्रोल और ऑपरेशंस अलग अलग कंट्री में फैल गया, जिसका यहीं पर इंडिया में प्रोडक्शन, इंडिया में ही कंट्रोल ऑपरेशन, यहीं पर सब कुछ डोमेस्टिक, इंडिया में ही प्रोडक्शन चल रहा है उसका, लेकिन क्या है, दूर दूर हम क्या कर रहे हैं, उसको बांट रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वो इंटरनेशनल, लेकिन प्रोडक्शन और कंट्रोल अलग अलग बहुत सारे कंट्री में फैल गया है, उसे क्या कहेंगे, एमएनसी, मल्टीनेशनल फॉर्म्स। आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए ये रहा क्वेश्चन अगला, 26 नवंबर को, द मोड ऑफ ज्वाइंट वेंचर इन इंटरनेशनल बिजनेस, ठीक है, दैट अलाउ अ कंपनी टू कंडक्ट बिजनेस इन अनदर कंट्री हुज लॉ डिस्करेज फॉरेन ओनरशिप इज नोन एज। मतलब क्या करना है, हम ज्वाइंट वेंचर को क्या कर रहे हैं, मोड बना रहे हैं किसी दूसरे कंट्री में व्यापार में घुसने के लिए, लेकिन दैट अलाउ अ कंपनी टू कंडक्ट बिजनेस इन अनदर कंट्री हुज लॉ डिस्करेज फॉरेन ओनरशिप, लेकिन उस कंट्री का लॉ क्या कहता है, डिस्करेज करता है किसको, फॉरेन ओनरशिप को, इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, इंटरनेशनल फ्रेंचाइजिंग, ज्वाइंट ओनरशिप लाइसेंसिंग। हम ज्वाइंट वेंचर खोलना चाहते हैं लेकिन उस कंट्री का लॉ जो है वो हमें डिस्करेज करता है, इनकरेज नहीं करता है, डिस्करेज करता है कि हम फॉरेन ओनरशिप बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहां पर क्या करना चाहिए, वापस तो बताइए। सिखाया हुआ चीज है, जब कोरोना का टाइम आया था तो आरबीआई ने क्या कहा था, सबसे पहले सरकार ने क्या की उस टाइम, जितने भी एफडीआई हैं सबको क्या कर दी, बंद कर दी थी उस टाइम, क्योंकि उस कोरोना काल में अगर कोई ऐसा देश किसी ऐसे सेक्टर में आपका पैसा लगा देता है ना, इसका मतलब क्या सिखा रहा पता है, जब भी कभी मान लीजिए हम बहुत ज्यादा फेल हो रहे हैं तो गलत लोगों का साथ नहीं लेना चाहिए, कि हो सकता है कल आपकी स्थिति अगर सुधर जाएंगी तो आपको उसी के साथ, गुंडे के साथ ही रहना पड़ेगा, ठीक है, बात समझे। अगर बिजनेस लॉस में भी चल रहा हो तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई गलत लोगों का साथ पकड़ लेना चाहिए, गलत प्रोडक्ट बेचना शुरू कर देना चाहिए, इसी तरह से जल्द प्रॉफिट कमा लें, क्योंकि हो सकता है आज का वो प्रॉफिट है लेकिन आगे हो स्थिति तो सुधरेंगी ना, हर एक देश की, हर एक बिजनेस की स्थिति सुधरती और बिगड़ती रहती,
अगर स्थिति अभी बिगड़ी हुई है और कोई दूसरा आदमी इन्वेस्ट कर देगा यहाँ पर, है ना, और सबसे बुरी नजर किसकी रहती है, चाइना की, कब भारत को बर्बाद कर दिया जाए, है ना। तो अगर वो क्या कर दे, घुस जाए, तो फिर बाद में निकाल नहीं सकते, सबसे पहले क्या कर दिया, उसको बंद कर दिया। FDI, जितने भी FDI आएंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, सब RBI के परमिशन के बाद ही आएंगे, RBI के अप्रूवल के बाद ही आएंगे। तो RBI वहां पर क्या करती है, उसको लाइसेंस प्रदान करती है, तो कहते हैं लाइसेंसिंग। क्या कहते हैं उसको, लाइसेंसिंग। लाइसेंस लेकर क्या कर सकता, घुस सकते हो, ठीक है। तो उस देश के क्या है, उस देश के गवर्नमेंट के साथ क्या करना है, उस देश का गवर्नमेंट क्या करेगा, वहां से लाइसेंसिंग ले लेंगे, वहां पर लाइसेंस ले लेंगे, अप्रूवल ले लेंगे। जब अप्रूवल मिल गया तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। विदाउट अप्रूवल उस देश में आप घुस नहीं सकते। चलिए, इंडिया में भी वैसे है, बिना RBI के अप्रूवल के कोई भी बाहरी व्यक्ति इंडिया में व्यापार FDI नहीं लगा सकता है, ठीक है, अप्रूवल देगा ही नहीं। हाँ, कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिसमें कि बिल्कुल फ्री है, लेकिन कुछ सेक्टर पर कंट्रोल लिया लगाएंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रेड रिलेटेड एंट्री मोड इन इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट में घुसना है, उसके लिए कौन कौन से मोड होंगे, मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट, इंटरनेशनल लाइसेंसिंग, इंटरनेशनल लीजिंग, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इसमें से कौन सा, विच वन ऑफ द ट्रेड रिलेटेड मोड, ट्रेड रिलेटेड मोड इसमें इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कौन से होंगे, मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट, क्या करना, मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अगली कौन सी है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोड ऑफ एंट्री इन टू फॉरन मार्केट रिस्क एंड प्रॉफिट पोटेंशियल आर हाइएस्ट, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, क्वेश्चन कहाँ पूछा था, क्या था, जो 18 दिसंबर होता है ये कीड़ा सब जो आ जाता है थोड़ा सा, फर्स्ट सेकेंड, अब कोई क्वेश्चन कहाँ पर है, चलिए अगला, ठीक है। विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मोड ऑफ एंट्री इन इंटरनेशनल बिजनेस टू एन एंटरप्राइज विद लिटिल एक्सपीरियंस इन लिटिल मार्केट, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, कौन सा हो जाए हमारा, एक्सपोर्टिंग। अगला है, थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल फर्म इन डेवलपिंग कंट्रीज हैज क्लोज्ड देयर शटर्स बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिशन ऑफ लार्ज MNC। जो डेवलपिंग कंट्री थी वहां की बहुत सारी 100 से ज्यादा कंपनियों ने क्या किया, अपना शटर बंद कर दिया। क्यों, क्योंकि MNC के साथ वो कॉम्पीट नहीं कर सकती है। सही बात है, गलत है, सही है। MNC has played a significant role in development of poor countries by transfer of technology, introducing best management practices and help improving productivities. और MNC क्या करती है, दूसरे देशों से best technology मंगा करके जो गरीब country है उसको भी क्या कर सकती है, develop कर सकती है, ऐसा MNC के पास power है। सही है, गलत है, तो दोनों के दोनों statement क्या होंगे, दोनों के दोनों statement बिल्कुल सही है, गलत है क्या, सही है ना। हाँ, कि क्या करता है, जब से MNC आई है तो क्या, छोटी छोटी कंपनियां बंद, लेकिन MNC के पास पावर है, किसी भी गरीब को क्या कर सकता है, धनी बना सकता है। जैसे क्या, इसका एग्जांपल कौन है, इंडिया में गुरुग्राम, ठीक है, गुरुग्राम जिसको गुरुगांव कहते थे पहले, वो एक गांव था, आज वो क्या है, इंडिया का सबसे डेवलप्ड सिटी है ना। अगर वहां गए तो थोड़ी देर के लिए आपको एहसास होगा कि हम कहाँ पर है, लंदन में। ऐसे डेवलप किया उसको कि लगेगा क्या, उसकी जो साइबर सिटी है, मतलब एक साइबर सिटी बनाया गया है गुड़गांव के अंदर, उसको लगेगा कि भाई हम कहाँ है, थोड़ी देर के लिए लंदन में, ठीक है। सेम उसी तरह से किसको डेवलप किया, नोएडा को, जिसको कोई पूछता नहीं था उसे, आज क्या है, उसको NCR के एरिया कहा जाता है, जितने बड़े बड़े कंपनियां सब सब खुले हुए, ठीक है। उसी तरह से एग्जांपल किसको ले सकते हैं, बैंगलोर को, इतनी बड़ी बड़ी IT कंपनियां से सब वहां पर। तो MNC के पास पावर है, किसी भी गरीब कंट्री को क्या कर सकती है, वो बेचारे डेवलप कर सकते, क्यों, क्योंकि उसके पास बेस्ट टेक्नोलॉजी है। अब भाई चाइना में सामान सस्ता बना रहा है तो वहां से मंगवा लेगा, वहां से लेबर सस्ता मिल रहा है वहां से मंगवा लेगा, है ना। लेकिन हाँ, इससे बुरी बात एक होती है,
कि भैया जैसे ही एमएनसी का एंट्री होगा तो छोटे छोटे लोग सारे सारे प्लेयर्स को बाहर कर देंगे। क्यों? क्योंकि उसके सामने टिक थोड़े सकते हैं, बिग बाजार के सामने थोड़े कोई किराना दुकान टिकेगा। जैसे पहले किराना वाला के पास बहुत चौर होता था, हाँ ले वो कहते हो लेते नहीं चल जाओ, अब बहुत प्यार से बात करेगा, लॉयल या ना करें किया है, एमएनसी आ गई, तो बिग बाजार इज एमएनसी। ठीक है, आगे इसमें कल करेंगे इंटरनेशनल थ्योरी ना, हाँ थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड नोट्स में बना हुआ, उसको पढ़ के आइएगा। ठीक है, वहां से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। और इसका सबसे बड़ा खास बात है कि हर एक बार मैच ऑफ द फॉलोइंग, मैच ऑफ द फॉलोइंग, मैच ऑफ द फॉलोइंग, मैच ऑफ द फॉलोइंग, और हर एक बार का क्वेश्चन सेम। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन दो नंबर क्या मिलता है इंटरनेशनल बिजनेस से, फ्री ऑफ कॉस्ट है, मारेंगे सब एक ही कोता क्वेश्चन है तो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिल रहा है। ठीक है, एक ही तरह का क्वेश्चन क्या किया है, बार बार रिपीट करके करके वो पूछता रहता है। ठीक है, चलिए।